हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब कुकिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रेनू और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गरम मसाले की रेसिपी। गरम मसाले फ्रेंड्स हम घर पर कैसे बनाएं, तो आज मैं इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज की मेरी ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। गरम मसाले बनाने के लिए हम इन सभी मसालों का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है 100 ग्राम जीरा, 2 जायफल, 100 ग्राम लौंग, 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम छोटी इलायची, 50 ग्राम जावित्री, 20 से 25 तेज पत्ता, 100 ग्राम बड़ी इलायची, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम चक्री फूल, 50 ग्राम छड़ीला, 50 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम सौंफ। तो इन सभी मसालों को हम थोड़ी देर धीमी आंच पर भून लेंगे ताकि मसाले में जो नमी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इस तरह से धीमी आंच पर इसे हम लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। और 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए भी मसाले हम इसी तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए बाकी के मसाले भी हमने भून लिया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। और बाकी के बचे हुए मसाले हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसे गरम पैन में डाल देंगे और जब तक पैन गरम है ये अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। तो एक बार इसे हम उलट पलट लेंगे इस तरह से, और ये अच्छे से कुरकुरे हो चुके हैं तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो इसे हम अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेंगे। और मसालों का बिल्कुल फाइन सा पाउडर हमने इस तरह से बना लिया है, तो मसालों को हम छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम सभी मसाले इसी तरह से छान लेंगे और ये जो मसाले बच गए हैं इनको दोबारा हम पीस लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा गरम मसाला। 5 मिनट में बनने वाला हमारा बहुत ही टेस्टी गरम मसाला बनकर तैयार है। किसी भी सब्जी में अगर इसे हम डाल दें तो सब्जी का टेस्ट डबल हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मैं मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।